रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को बताया कि कैसे भारत की लगभग यहाँ पे 3,500 के आसपास की जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, और अगर हम काउंटिंग को प्रॉपरली देखें तो 3,693 जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से 5 साइट्स मिसिंग हैं। इवन 2013 में यहाँ पर CAG के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को यहाँ मिसिंग बताया गया। लेकिन अब उस समय से आज के समय 2023 को अगर देखें तो लगभग 42 साइट्स ऐसी हैं जिनको यहाँ ढूंढ लिया गया है, यानी अभी भी 50 साइट हैं जो मिसिंग है। लेकिन ये सारी के सारे डिस्कशन में पहला सवाल ये उठता है कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का या साइट्स का मतलब क्या है। कोई भी मॉन्यूमेंट जो कि भारत के लिए एक नेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, कोई भी मॉन्यूमेंट जिसका कुछ इतिहास है, कोई भी मॉन्यूमेंट जिसको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर रिकग्नाइजेशन दिलाई जाए तो वो बहुत हद तक टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है, टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है। ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उन्हें एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत प्रोटेक्टेड माना जाता है, यानी कि सरकार जो है वो उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको प्रिजर्व करती है। ये जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है इसके तहत सरकार का ये काम है कि वो इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, और इसके आसपास टूरिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस एक्ट के तहत बहुत सारी साइट्स हैं, लगभग 100, 200, 300 साल पुरानी भी साइट्स हैं जिसमें टेंपल्स आते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आता है और बहुत कुछ जो कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंडर काउंट किया जाता है। इसी एक्ट के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें रेगुलरली इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करना होता है और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होती है जिसके तहत चेक किया जाता है कि इन मॉन्यूमेंट्स की क्या कंडीशन है, इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, और अगर इनके आसपास किसी ने किसी प्रकार से ज़मीन हथियाने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी चेक्स लगाने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही है। लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया कहाँ से? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा की गई थी 1861 में। ये व्यक्ति पहले से ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और इवन आपने अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजी का काम हुआ है, एक्सकेवेशन का काम हुआ है उसमें भी सुना होगा। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। 1850s के दौर में जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी उस समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ एक्सकेवेट किया गया, बहुत हद तक ज़मीन को समतल बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए जब वो सारी एक्टिविटीज़ हुई तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर खुद को रिवील करने लग गए ज़मीन में से, और वहीं से अलेक्जेंडर कनिंगम का इंटरेस्ट और बढ़ गया। तभी 1861 में इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा करप्शन आने लगा जिसकी वजह से इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया था। फिर जाके लॉर्ड कर्जन ने इसको एक बार फिर से शुरू किया और एक लॉ पास किया जिसे हम एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट कहते हैं, जिसके तहत भारत के जो भी एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करना या उसके आसपास की या उसी की ज़मीन को जब्त करना एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है जिसके तहत पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ना कि सिर्फ ये, उन एंशंट मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पर इस लॉ के तहत 1904 में आने वाले इस लॉ के तहत प्रिजर्व भी किया जाएगा। एक प्रश्न और उठता है कि आखिर ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये कैसे मिस हो सकती हैं, कैसे ये गायब हो सकती है, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब प्रॉपर स्टडी की गई तो ये पता चला कि अगर यहाँ पर भारत की आज़ादी के बाद के समय को देखें तो गवर्नमेंट्स जितनी भी रही हैं उनका मोस्टली फोकस सोशल इश्यूज़ पे रहा। यहाँ पे हेल्थ है, सैनिटेशन है, एडुकेशन है, इन एरियाज़ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स को ढूंढने में रहा।
लेकिन ढूंढने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको अनकवर करने के साथ साथ उनको प्रिजर्व भी किया जाए, जिस एरिया में काम जो है वो काफ़ी ढीला हमको चलता हुआ नज़र आता है। एंड नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर शहरीकरण देखेंगे, अर्बनाइजेशन होता हुआ देखेंगे, जिसके तहत भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो आपको शहरीकरण के कारण दबते हुए नज़र आएंगे। ऐसे 14 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से वो गायब हो गए। इसी तरीके से काफ़ी बार गवर्नमेंट के द्वारा जब डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसके अंडर भी आपको बहुत कुछ दबता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सबने नागार्जुन सागर बांध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन नागार्जुन कोंडा एक बुद्धिस्ट साइट है जिसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स प्लस बुद्धिस्ट कल्चर्स नज़र आते हैं। जब ये बांध बनाया गया तो उसमें पानी के नीचे बहुत सारे स्तूप और गौतम बुद्ध का स्टैंडिंग स्कल्पचर जो है वो भी डूब गया था, जिसको बाद में रिवाइव किया गया मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ऐसे जो स्टेप्स होते हैं उसके तहत भी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, यानी कि गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली एक्ट के तहत तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम बनता ही है कि दूर दराज तक ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स को ढूंढना है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में लाना है। लेकिन रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाके में जाना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करके उसके बाद उसको प्रिजर्व करना, इस एरिया में भी काफ़ी हम यहाँ पे स्लो प्रोसेस जो है वो होती हुई देखते हैं। आपको क्या लगता है कि और दूसरे कौन से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से एक मॉन्यूमेंट जो है वो गुम सा हो जाता है? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की जो लिस्ट है उसमें आने के बावजूद भी, इवन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहरीकरण की वजह से लोगों के पास, जब रूरल से अर्बन एरिया की तरफ लोग आते हैं तो वो रहने के लिए स्थान ढूंढते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि महाराष्ट्र की बहुत सारी केव्स हैं जिनको यहाँ लोगों ने आज के समय में बसेरा बना लिया है और वो यहाँ घर के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कारण आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने ऐसा कोई उदाहरण अपने आसपास देखा है या नहीं जिसमें एक मॉन्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड की लिस्ट में है या आ सकता था, लेकिन उसको कई कारणों से, अर्बनाइजेशन या एनक्रोचमेंट की वजह से, यहाँ पर गायब होता हुआ सा नज़र आता है। स्टे ट्यून्ड।